ठीक है, ये ट्राइपॉड 3366 55 इंचेस साढ़े 4 फीट हाई, ओके। और ये मल्टी कलर में अवेलेबल है, ब्लू में है, ब्लैक में है, ग्रे में है, येलो में है, सिल्वर में है, रेड में है, ऑरेंज में भी है, और भी बहुत सारी इसकी वेराइटी आता है। जो अवेलेबल होगा बेस्ट वाला हम भेज देंगे, ठीक है। मैं इसका आपको फंक्शन बता रहा हूँ, देखिए इसमें 3 नॉब है, 1 2 और ये 3 आ रहा है, ठीक है। और ये हैंडल का भी फंक्शन है, ठीक है। इस नॉब से क्या होता है कि आप इस नॉब से जो है इसको ढीला कीजिए, ठीक है, ढीला कीजिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इसमें फिर कोई इशू नहीं होगा, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। इस वाले नॉब का क्या फंक्शन है कि आप इसको ढीला करके ऐसे करके चारों तरफ घुमा सकते हैं, ओके, ठीक है। इस वाले नॉब का क्या फंक्शन है ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक टूटी टाइप का है। इस वाले नॉब को ऐसे करने से ये देख रहे सट जा रहा है, आ रहा है, देख रहे जैम कर दे रहा है, जाम कर दे रहा है। अब इसको ढीला करेंगे तो ये लूज हो जाएगा, इसको टाइट करेंगे तो ये यहाँ पे जाम कर देगा। अब क्या होगा, जब उसने वहाँ पे जाम कर दिया, हमने टाइट कर दिया, तो अब ये ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको ढीला कर दीजिए, ठीक है, अभी आराम से ऊपर आएगा, ओके। अब देखिए इसमें क्या क्या ये है, अब ये देखिए ऊपर इससे होगा, इसको ढीला करने के बाद ये ऊपर इससे होगा, और यहाँ पे टाइट कर दीजिए, फिर उसके बाद ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा, ओके। अब इसको यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे ले रहे हैं। अब मैं आपको इसमें जो है ना वाटर लेवल है उसका फंक्शन भी बता देता हूँ। देखिए इसको जो है ढीला करना है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसका वाटर लेवल का फंक्शन, ये एक। अब ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे टिल्ट किया तो वाटर ऊपर आ गया, वो बता रहा है कि कोई एंगल पे है। अब इसको मैं चाहता हूँ पूरा मतलब कि ग्राउंड के पैरेलल लाना है, ठीक है, एक मिनट, ये हाँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ये वाटर लेवल, ठीक है, देख रहे हैं, हाँ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये मतलब कि इसको पैरेलल लेके आना है, देख रहे हैं, पूरा जब बीच में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि पैरेलल वो आ गया है, ठीक है, एकदम स्लो स्लो मूव कर रहा है। देखिए ये पूरा बीच में आ गया है, अब ये एकदम पूरा ग्राउंड लेवल से पैरेलल हो गया है। अब क्या है कि अब मैं इसको बताता हूँ कि आपको इसमें माउंट कैसे करना है। अब इसको खोला यहाँ से, क्विक रिलीज प्लेट कहते हैं इसको, इसको खोला यहाँ से ऐसे करके इसको निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको ये जो है इसका कैमरा माउंट है जो है मोबाइल होल्डर, इस पर जो है ना आपको ऐसे ऐसे करके इसको घुमाना है। यहाँ देख लिए ये वाला जो है इसको पकड़ के रखना है, ठीक है, पकड़ के रखना है, ऊपर से इसको घुमाना है, ठीक है, घुमाना है। अब क्या करना है आपको, जो ये जो है ना इसमें लगा दीजिए, ठीक है, देखिए ना इसको जो है ऊपर उठाइए ऐसे करके, अब ये सही है, देख रहे फिट हो गया, ये इसमें कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है कि आपको जो है, अगर मान लीजिए आपको जो है ये वर्टिकल मोड में शूट करना है, तब कैसे करेंगे आप, ठीक है, ये वाला जो है नॉब इसको ऐसे करके घुमाइए, ठीक है, अब ऐसे करके घुमाएं, अब ये आ गया वर्टिकल मोड में शूट हो सकता है। तो उसके लिए क्या कीजिए, ये वाला जो है नॉब, ठीक है, अब इसको जो है ढीला कर दीजिए, ये पहले से ढीला है, अब देखिए ये ऐसे करके घूम सकता है, कोई इशू नहीं है, ये घूम सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अब ये देखिए पूरा ऐसे करके ये इसमें घूम सकता है। अब चाहते हैं कि अगर आप इसको जो है क्या कहते हैं ऐसे करना फोन को, तो ये वाला पोर्शन पकड़ करके ये वाला ढीला कीजिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन पकड़ दीजिए ऐसे फोन को, और इसको जो है यहाँ पे ऐसे ढीला कीजिए, अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब इसको फिर से ढीला कर दीजिए, और आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो आप फिर इसको टाइट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ये वैसे ढीला।
अब क्या करना है आपको, फिर से इसको ढीला करना है, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ढीला कीजिए और ऐसे घुमा दीजिए, ये आराम से घूम जाएगा, कोई इशू नहीं। अब इसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं, ये वाला नॉब हरा, ये वाला नॉब जो है इसको हल्का सा ढीला कीजिए, और ये वाला जो है इसका हाइट रेज करने वाला कीजिए। हाइट रेज इससे किया जाता है, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे ऐसे करके, ओके, कोई इशू नहीं है, आपको मैंने वो भी बता दिया है, ठीक है। अब इसको वापस से ऐसे ऐसे करके डाउन कीजिए। इसका कभी भी कोई भी पार्ट चाहिए अवेलेबल हो जाएगा, बस इसका हैंडल संभाल के रखिएगा, हैंडल मुश्किल से अवेलेबल होता है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो नट होता है, दिख रहा है, ये नट यहाँ लगेगा, इसका नट यहाँ लगे, ये इस वाले नॉब का नट यहाँ लगेगा, इस वाले हैंडल का नट यहाँ लगेगा। कभी कभी गलती भी कर देते हैं आप। अब क्या करना है, अब इसको जो है ना, मतलब कि डिसमेंटल कर, मतलब कि इसको समेटना है। तो पहले ऐसे ऐसे कर करके इसका पूरा तीनों लेग जो है, ठीक है, ऐसे करके क्वालिटी एकदम बिल्कुल सही है, आपको एकदम ये आराम से लग जाएगा। अंडर द बजट जो है ये आपका इफिशियंट है, बिगिनर और जो मीडियम लेवल के होते हैं उनके लिए भी सही है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए इसको चलाने में, ठीक है। फिर से आप इसको थोड़ा क्लोज व्यू में इसका क्वालिटी देख लीजिए, ठीक है। वाटर लेवल भी है आपका, क्विक रिलीज प्लेट भी है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एक जो है कैमरा बैग, कैमरा लटकाने के लिए, ये कैमरा बैग लटकाने के लिए यहाँ पे एक ये भी है, ठीक है, आप इस पे कैमरा भी लटका सकते हैं, ओके, ठीक है, क्लोज।